नमस्कार बच्चों, आज मैं आपके चैप्टर की बात करने वाला हूँ। सेवन, क्लास फाइव का चैप्टर नंबर सेवन। हमारे चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? हमारे चैप्टर नाम है हु विल प्ले विद मी, कि मेरे साथ कौन खेलेगा। आपके साथ कौन खेलेगा बच्चों, ये इस लेसन के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि इस लेसन की ना पूरी कहानी क्या है, वो पूरी कहानी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो तैयार रहिए इसे पूरा देखने के लिए और ध्यान से सुनना। पहले मैं आपको जो पूरी कहानी है वो किसमें बताऊंगा, हिंदी में बताऊंगा। तैयार हो आप? हाँ सर, हम तैयार हैं, बताइए। सॉरी, ये देखिए बच्चों, एक लड़का है। कौन है? एक लड़का है। ये बच्चों स्कूल नहीं जाता है। क्या नहीं करता है ये? स्कूल नहीं जाता है। ये क्या करता है रास्ते में? अब आप ऐसा कभी मत करना, ये रास्ते में छुप जाता है। ठीक है, क्या करता है बच्चों? ये रास्ते में छुप जाता है रोज़। ये देखिए ये बच्चा, ये ना रोज़ रास्ते में छुप जाता है, और जब इसके टीचरों से क्या करता है, ये मार लगती है, इसलिए स्कूल नहीं जाता है। लेकिन आप ऐसा कभी मत करना, मैं आपको पहले पूरी इसमें क्या कहानी वो हिंदी में बताऊंगा, उसके बाद हम लोग ट्रांसलेशन करेंगे। तो ये वो लड़का है, ये रोज़ स्कूल नहीं जाता है। ये क्या करता है? कभी गार्डन में छुप जाता है। अब एक दिन क्या होता है, एक दिन बच्चों ये होता है कि ये गार्डन में छुप जाता है। और जब ये गार्डन में छुपता है तो ये कभी मोर के पास जाता है, कभी ये शेर के पास जाता है, कभी ये जो पैरट होते हैं ना, पैरट्स के पास जाता है। कहता है आप मेरे साथ खेलिए, तो सब कहते हैं हम तो ये काम कर रहे हैं, कोई कहता है हम ये काम कर रहे हैं। तभी से पता चलता है कि वास्तव में सभी लोग अपना अपना काम कर रहे हैं, बस मैं ये कैसा हूँ जो बेकार में घूम रहा हूँ। उसके बाद बच्चों ये रोज़ स्कूल जाता है और रोज़ दिया होमवर्क ये रोज़ करता है। तो हमें इस कहानी से क्या सीख मिलती है? हमें इस कहानी से ये सीख मिलती है बच्चों कि चाहे कुछ भी हो जाए, हमें रोज़ स्कूल जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ स्कूल जाकर हम कुछ ना कुछ सीखते हैं। और साथ ही में जब सभी जानवर अपना अपना काम करते हैं, सभी पक्षी अपना काम करते हैं, हमारे मम्मा पापा हमारा काम अपना काम करते हैं, तो हम अपना काम क्यों ना करें। ये कहानी के अंदर हम आपको अब बताते हैं ट्रांसलेशन कैसे करना है। एक एक शब्द ध्यान से सुनना है, फिर लाइन का मैं वहाँ से वहाँ तक क्या अर्थ बोलता हूँ उसका भी ध्यान रखना है। तो चलिए नाउ स्टार्ट अवर टॉपिक। चलिए बच्चों ये लो, बस आर यू रेडी? सर आई एम रेडी। देखिए शुरुआत में बच्चों आपको क्या दिया हुआ है? सर शुरुआत में तो हमें ये दिया हुआ है दिस इज ए दमे से बच्चों डॉट तक आपको मैं अर्थ कराऊंगा, वहाँ तक आपको ध्यान रखना है। ये देखिए फुल स्टॉप ये आ गया। दिस इज ए स्टोरी अबाउट ए बॉय हु डज नॉट लाइक टू स्टडी एट ऑल। कुछ समझ आया? नहीं सर। दिस यानी यह, इज यानी है, ए मीन्स एक, स्टोरी मीन्स कहानी, अबाउट यानी बारे में, एक बॉय यानी लड़के की, जो कि नॉट यानी नहीं, लाइक यानी पसंद करता है, टू स्टडी एट ऑल, जो कि पढ़ना पसंद नहीं करता है। ये कहानी बच्चों एक ऐसे बच्चे की है जिसे पढ़ना पसंद नहीं। आगे देखिए वन डे, ये चेंज तक करूँगा मर्द है ना, थोड़ी तबीयत खराब, फिर भी आप लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ। वन डे ही मीट्स सम क्रेचर, क्रेचर मीन्स होता है बच्चों प्राणी या जीव, जो आपके चारों तरफ नजर आते हैं ना, तोते ये जीव, क्रेचर एंड देन ही चेंज, जब वो अपने आसपास क्या देखता है, जो बदलाव होते हैं प्रकृति में, क्रेचर मीन्स प्रकृति, जीव जंतु जो बदलाव होते हैं उन्हें वो देखता है। वाई डज ही चेंज हिमसेल्फ, लेट्स फाइंड आउट। और तब वो क्या करता है, तब वो अपने आप में बदलाव करने क्या करता है, कोशिश करता है। ये हम इस कहानी के अंदर पढ़ेंगे कि कैसे आपको भी अपने अंदर बदलाव लाना है, और इस बार क्लास में ना टॉप करना है आपको भी, देखना मैं आपके साथ हूँ। ये कौन है बच्चे? रोहित है। ये लिख रखा देखो, दिस इज रोहित, या रोहित है ई, यहाँ से मैं आपको को अर्थ करके बताता हूँ। एक मिनट आप रुकिए, मैं थोड़ा इसका साइज कम कर देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, अभी रुकिए, इसका हम साइज कम कर देते हैं, ये लीजिए बस, ताकि हमें ज़्यादा वो ना करना पड़े। सही है, सही। जब ये लीजिए, ये लीजिए, अब देखिए दिस इज ए, सॉरी यार, देखो दिस इज ए रोहित, ये रोहित है। ही डज नॉट लाइक हिज स्टडीज, इसे पढ़ना पसंद नहीं है, लेकिन आपको होना चाहिए बच्चों। All of his friends go to school daily, but he does not go there.
ऑल ऑफ हिज फ्रेंड, इसके सभी दोस्त गोमेज जाते हैं टू स्कूल डेली, रोज इसके जो दोस्त हैं वो स्कूल जाते हैं, लेकिन लेकिन ये नहीं जाते हैं भाई साहब। अब ये कैसे नहीं जाते हैं, क्या करते हैं, अब हम आपको आगे बताते हैं। ये देखिए, आगे देखिए, यहाँ से देखिए, ही वेंडर्स हियर एंड देयर, ये यहाँ वहाँ घूम करके वापस बच्चों घर चल जाता है, लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है। वन डे ही गोज टू गार्डन नियर हिज होम, इसके घर के पास में क्या है, एक गार्डन है। ही फाइंड्स नो अदर चिल्ड्रन इन द गार्डन प्ले विद, इसके साथ खेलने के लिए उस गार्डन में कोई बच्चा नहीं होता है। ही सिट ऑन ए बेंच, ये देखो बच्चों ये क्या है, ये बेंच है, इस बेंच पर ये बैठा हुआ है, ये एक बेंच पर बैठा होता है। अंडर द बैग ट्री, एक पेड़ के नीचे, एक पेड़ के नीचे क्या होती है, एक बेंच होती है, उस बेंच के नीचे क्या कर रहा है, अभी बैठा हुआ है और इसे कोई मिल नहीं रहा है। देखिए, आफ्टर सम टाइम, कुछ समय के बाद, ही नोटिस ए पिकॉक डांसिंग, इसने देखा कुछ समय के बाद, पिकॉक यानी क्या होता है बच्चा, मोर, और डांस मीन्स नाच रहा है, मोर को आपने नाचते हुए जरूर देखा होगा। तो इसने कुछ समय बाद नोटिस किया कि एक जो मोर है वो क्या कर रहा है, वो नाच रहा है, तो उस मोर को ये क्या कर रहा है, देख रहा है, उसके पास जाएगा, देखो क्या कहता है। देखिए बच्चों, वो मोर के पास आ गए नियर द फ्लावर बेड्स, फ्लावर का मतलब ऐसे फूल होता है, लेकिन इसके रंग बिरंगे पंख होते हैं, इसलिए हमें क्या कहते हैं, इसे फ्लावर बेड्स कहते हैं। अब रोहित उसके पास आ गया, ये रहा रोहित, वॉन्ट्स टू पिकॉक एंड सेज टू हिम, और उसने मोर से कहा, विल यू प्ले विद मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। द पिकॉक सेज, मोर ने कहा, आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ, आई एम डांसिंग, मैं नाच रहा हूँ, सो आई कैन नॉट प्ले विद यू, इसलिए मैं आपके साथ नहीं खेल सकता हूँ। अब तोते वो मोर ने कह दिया, मैं तो नहीं खेल सकता, क्यों, क्योंकि मैं बिजी हूँ। अब आगे रोहित ने क्या किया, उसके बाद आगे जो रोहित भैया है, उस मीट मीन्स मिला एक डॉग, एक कुत्ते से, और कहा ये आस्क हिम, और उसने पूछा, क्या पूछा है उससे, कि विल यू प्ले विद मी, क्या तुम मेरे साथ खेलोगे। द डॉग से, कुत्ते ने कहा, आई एम बिजी, मैं व्यस्त हूँ, आई एम लुकिंग माई मास्टर हाउस, मैं अपना जो मालिक है उसके घर की क्या कर रहा हूँ, देख रेख कर रहा हूँ, सो आई कैन नॉट प्ले विद यू, इसलिए मैं भैया आपके साथ नहीं खेल सकता हूँ। ही हैपन्स टू सी पैरट क्रो स्पैरो हॉर्स, उसने किसी को देखा, तोता, कौआ और चिड़िया को और घोड़े को, और ही आस्क देम, और उससे पूछा, सेम क्वेश्चन वही जो उनसे पूछा, विल यू प्ले विद मी, क्या तुम हमारे साथ खेलोगे। उनका वी आर बिजी, हम क्या हैं, बिजी, तो वी हैव मैनी थिंग्स टू डू, हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, तो वी कैन नॉट प्ले विद यू, इसलिए भैया हम आपके साथ नहीं खेल सकते हैं, क्यों, क्योंकि हम कुछ ना कुछ कर रहे हैं, हम फ्री नहीं है, तो हम आपके साथ नहीं खेल सकते हैं। अब रोहित क्या करता है, आगे कहानी हम आपको बताते हैं। ये देखिए, दिस इज द इम्पैक्ट ऑफ रोहित, इसका रोहित पर प्रभाव पड़ा, यार हर कोई कुछ ना कुछ कर रहा है, मैं ये कैसा हूँ जो बेकार में घूम रहा हूँ। इस एज टू हिमसेल्फ, उसने अपने आप से कहा, ऑल ऑफ देम बिजी, सभी व्यस्त हैं, दे आर डूइंग समथिंग, कुछ ना कुछ तो कर रहे हैं, इट ओनली हूँ आई इज नॉट वर्किंग, मैं एकमात्र ऐसा हूँ जो कोई काम नहीं कर रहा हूँ। नाउ आई विल ऑल्सो डू माई वर्क एंड कीप माई सेल्फ बिजी, आज के बाद मैं भी अपना काम करूँगा, आई विल गिव माई लेजीनेस, मैं अपने आलस को खोऊंगा, मैं जो आलस करता हूँ वो आलस को नहीं करूँगा आज के बाद, ऐसा रोहित कह रहा है। आगे क्या होता है, अब रोहित का इसे बहुत भयंकर प्रभाव पड़ा, ही रिटर्न्स टू होम, वह वापस कहाँ गया है, घर आ गया है, टू डेली स्कूल, और क्या करने लग गया, रोज़ अब स्कूल जाने लग गया। ही स्टार्ट स्टैंडिंग अल्टरनेटिव एंड कम्प्लीटली हिज होमवर्क आल्सो, अब वो क्या कर रहा है, रोज़ तो स्कूल जाता है, रोज़ अपना होमवर्क पूरा करने लग गया। ही लर्न्स लेसन रेगुलरली, रोज़ अपने पाठ याद करने लग गया। आप भी बच्चा, आपको जो स्कूल से लाइसेंस मिलते हैं उन्हें रोज़ याद किया करो। आपको कोई भी दिक्कत आती है आप हमें कमेंट करके बता सकते हो, मैं आप लोगों की क्लासें डाल दूंगा। इन द इवनिंग, शाम को वो क्या करता है, ही डज प्ले ग्राउंड्स, खेल के मैदान पर जाता है, फाइंड्स हिज फ्रेंड डियर, और अपने दोस्तों के साथ वह क्या करता है, खेलता है। ही प्लेज विद देम फॉर एंड वन आवर, वह एक घंटे तक उनके साथ खेलता है। आफ्टर रिटर्निंग होम, और वापस लौट के घर आता है। ही टेक्स डिनर, वह डिनर करता है, देन रिवाइज, और वापस क्या करना शुरू कर देता है, रिवीजन। आज इसको जो काम मिला आप भी ऐसा किया करो, शाम को फ्री होते ही उसका रिवीजन कर लिया करो, और आपका लेसन पूरा, अब आपका लेसन पूरा होने वाला। देखिए, ही स्टडीज एट स्कूल, वाइज को पढ़ना शुरू कर दिया, एंड विद दिस चेंज इज बिहेवियर, उसका जो व्यवहार था वो भी क्या हो गया, चेंज हो गया। ही इज नाउ लाइक बाई एवरी वन, हर कोई उसको क्या करने लग गया, लाइक यानी पसंद करने लग गया, पढ़ेगा तो करेगा ही। इज टीचर प्रेस पंचोल एंड इज पेरेंट्स आर प्राउड्स, और उसके जो क्या है, माता पिता हैं उसके जो
अध्यापक हैं उनको उस पर क्या हुआ, गर्व हुआ। आपके माता पिता को भी आप पर गर्व होगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना और हम आपके लिए सारी क्लासें डालेंगे। मैं आपका दोस्त उमा शंकर शर्मा, योर गोस्ट एंड दोस्त। ठीक है बच्चों, तो सब्सक्राइब कर लेना। लेसन आपको कैसा लगा और आपके जीवन में इस लेसन के बाद क्या क्या चेंजेस आए हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद आपका वीडियो पूरी देखने के लिए। आप खुश रहें, खूब पढ़ें, अपने माँ बाप का खूब नाम रोशन करें।